गिरिडीह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बॉलीवुड के कई कलाकार। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह। बताया जाता है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शाहिद माल्या सलूजा गोल्ड के निजी कार्यक्रम में भाग लेने गिरिडीह पहुंचे। सिंगर शाहिद के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संगीतकार शेखर श्रीवास्तव, कॉमेडियन सुनील पाल, गायिका महाभैरवी भी गिरिडीह पहुंची। कार्यक्रम से पूर्व सिंगर शाहिद माल्या ने कहा कि संगीत उनके जीवन की सांस है। उनके पिता श्री कृष्ण कुमार उर्फ सलीम भी सिंगर है। कहा, बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह बॉलीवुड में आए और सिंगिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि वह 2011 से सिंगिंग दुनिया में है और अब तक हिंदी पंजाबी सैकड़ों गाने गा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिंगिंग की दुनिया में उनके आदर्श मोहम्मद रफ़ी हैं। वह मीडिया से बात करते हुए संगीतकार शेखर श्रीवास्तव ने कहा, वर्तमान समय में संगीत का नियंत्रण कारपोरेट के हाथों में है। कहा, संगीत ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं समझ सकता, मगर दुर्भाग्य की बात है कि जिन्हें संगीत की जानकारी नहीं है वैसे लोग संगीत को नियंत्रित कर रहे हैं। गायिका महाभैरवी ने बताया कि वह एक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम कर रही है। आने वाले समय में गायकी की दुनिया में वह कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि शाहिद माल्या के साथ उनका भी 2 गाना रिकॉर्ड हो रहा है। वहीं कॉमेडियन सुनील पॉल ने अपनी कॉमेडी अंदाज में कहा, हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। उन्होंने संगीत, एक्टिंग और भारतीय संस्कृति को बचाने में सभी से सहयोग करने की बात कही है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मुंबई बॉलीवुड से आए फिल्मी कलाकारों ने। तो फिर बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें BNB के साथ। थैंक यू। जय हिंद। The one and only and one and lonely king of melody, the playback singer of India, कम एज वाले और बाकी उनके सामने जनता पूरी जो है वो बिल्कुल है। ये एक्चुअल तस्वीर है। हम लोगों ने प्रेस की तस्वीर है। हम सब ने ये दर्शकों के बारे में सोच रखा है कि दर्शक हमारे भाई बाप है। वो भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्नदाता है। इसलिए जब भी उनके सामने जाएंगे ये सोच के जाएंगे कि ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं और हम सारे कलाकार बहुत हंसते हैं। आज हम आए हैं गिरिडीह में और शेखर भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और प्राइवेट फंक्शन में हैं सलूजा गोल्ड फैमिली के। तो करेंगे आज कुछ गाने सुनाएंगे आपको। यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे बहुत ही संगीतमय और संगीत को समझने वाले लोग हैं। एक दो लाइन क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं अपना फेवरेट गाना अरबा में तो मर गया जरूर गाऊंगा और पहला गाना अरबा में तो मर गया शदाई मुझे कर गया अरबा में तो मर गया शदाई मुझे कर गया
खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारी आंखों ने तो देखे है मंजर कुछ और, मगर अखबारों की सुर्खियां तो कुछ और कहती हैं। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।